लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूरों की ओर से लगातार अपने राज्यों के लिए पलायन किया जा रहा है। मजदूर पैदल ही सड़क मार्ग से अपने राज्यों के लिए पलायन कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में पंजाब से यूपी जा रहे कुछ मजदूरों को रोका गया तो उनमें 3 साल के एक बच्चे की तबीयत खराब निकली। पुलिस ने बच्चे को तुरंत अस्पताल भेजा। अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि बच्चे को दिल की बीमारी है। ये 29 अप्रैल को एसपी साहब श्री अभिषेक जोरवाल जी एरिया में घूम रहे थे तो उन्होंने एक बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ साइकिल पे जाता हुआ दिखाई दिया, तो जो देखने में बीमार लग रहा था तो उसको मिशन हॉस्पिटल में, मैं भी मौके पे बुला लिया गया, तो उसको मिशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जो बुखार था उसको डिहाइड्रेशन थी तो उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया गया, जो बाद में अगले दिन उसका हीलिंग टच हॉस्पिटल से इको टेस्ट कराया गया, जो उसकी जन्म जात दिल की बीमारी थी उसको, तो उसको फिर आज सीएमओ के सहयोग से और एसपी साहब की गाइडेंस से तो उसको फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है, जहाँ उसका दिल के ऑपरेशन होगा, जो मेजर ऑपरेशन होगा और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो अफसरों के सभी अफसरों के सहयोग से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध होगा। मैं साइकिल से गांव जा रहा था, बच्चे की तबीयत खराब थी। कहां से आए थे आप? पटियाला से। और गांव कहां आपका? गांव उत्तर प्रदेश। तो बच्चे को क्या हुआ आपके? बच्चे को दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी है, तो फिर आप हॉस्पिटल में आपको किसने भर्ती कराया? एसओ साहब ने हमको रोड पे मिले। हाँ, तो हम लोग को चीज़ की बीमारी बाद उसके बाद अस्पताल में एडमिट करवाए। हाँ, उसके बाद फिर ऑपरेशन के लिए रिफर कर रहे हैं चंडीगढ़ फोर्टिस हॉस्पिटल भेज रहे हैं। तो आपका ये इलाज फ्री हो रहा है या आप? बच्चे की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बारे में तुरंत सरकार से बातचीत कर अगली कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई। सरकार की अनुमति के बाद बच्चे को फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार उठाएगी। बच्चा पंजाब से आ रहा था, पंजाब से ये है कि एसपी साहब ने वो देखा था बच्चा बीमार है, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ लाके मिशन अस्पताल में दाखिल करवा दिया था बच्चे को। बच्चा 3 साल का बच्चा था, उसको जो जन्मजात बीमारी थी जो दिल की है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD बोलते हैं हम उसको, और सीवियर VSD थी उसको। हमने कल स्टेट से, हमारे को जब भी पता लगा SP साहब की तरफ से मैसेज आया, हमने उसी टाइम पे स्टेट से परमिशन लेके बच्चे का फोर्टिस के लिए में उसका इलाज हो सके इसके लिए हमने अरेंजमेंट कर दिए हैं, और बच्चे की परमिशन भी आ गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी सारा का सारा और बच्चे का इलाज फोर्टिस में होगा। इस प्रकार के मामले में ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं मुसीबत की इस घड़ी में आज भी भले ही लोग बिना किसी साधन के पैदल ही अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हों, लेकिन उनके रास्ते में पड़ने वाली दूसरे राज्यों की सरकार उनकी हर प्रकार से मदद कर रही है। भारत 9 के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।